अभी की बड़ी खबर बिहार के सहरसा से आ रही है, जहां सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, सहरसा के टॉप 10 सूची में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को सहरसा पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से कई संदिग्ध हथियार और नशीले पदार्थ भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पुलिस को दो कुख्यात अपराधी के साथ एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। इस बात की जानकारी देते हुए स्थानीय एसपी लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि ये तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन तीनों अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं। इन पर लूटपाट, डकैती और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। तीनों का आपराधिक इतिहास है। इन लोगों के ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट और छिनतई जैसे कांड इन लोगों पे दर्ज है। सुमन बबुआन और मनीष कुमार उर्फ सोनू यादव टॉप 10 की लिस्ट में था और दीपक यादव इन लोगों का सहयोगी था। इन लोगों का, हाँ, तीनों का आपराधिक इतिहास है जो आप लोगों को मिल जाएगा। मनीष यादव की अपराध की करीब 2012 से ही कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से वो इस क्राइम वर्ल्ड से जुड़ गया है। वहीं अपराधी के पास से 13 किलो गांजा और 10 पुरिया स्मैक की भी मिली है। इसके अलावा एक सफारी गाड़ी, दो मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए लिपि सिंह ने बताया कि इस मामले की गुप्त सूचना मिली थी और उसी के आधार पर अभियुक्त मनीष कुमार अपने साथी के साथ काले रंग की सफारी गाड़ी में सौर बाजार से सिमरी बख्तियारपुर की ओर आने वाले थे, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई जिसमें सदर थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु शामिल थे। और जब अपराधी की गाड़ी सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा के पास पहुंची तो पुलिस की टीम ने सफारी गाड़ी और दो मोटरसाइकिल सवार को आपस में संदिग्ध अवस्था में देखा और बातचीत करते हुए पाया। ये लोग पुलिस बल को देखते ही मोटरसाइकिल एवं सफारी गाड़ी में सवार व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी में से दो अपराधी मनीष उर्फ सोनू यादव और सुमन उर्फ सुमन बबुआ टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था, जहां पुलिस को इसकी काफी लंबे समय से तलाश थी और अब इसके गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसको लेकर लिपि सिंह ने पूरी टीम की सराहना की। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।